अस्सलामुअलैकुम, आदाब, कैसे हैं हमारे सभी लिसनर्स, सभी सुनने वाले? उम्मीद करते हैं सभी खैर आफियत से होंगे और अभी हमारा शो अनोखे मालूमात सुन रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यूनिंग किया है रेडियो उड़ान और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे अफशान, जो हर सैटरडे संडे लाती हैं आपके लिए आपका चहेता शो अनोखे मालूमात। इसमें लाती है कुछ खास मज़ेदार इन्फॉर्मेशन, कुछ मज़ेदार जानकारी। तो हर बार की तरह आज भी लाई हूँ मैं आपके लिए कुछ खास, कुछ अनोखी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के कुछ खास रिन्यूएबल पार्क्स की, ऐसी पार्क्स जहाँ पे हम क्या करते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी हासिल करते हैं, जैसे कि सूरज या हम बोल सकते हैं विंड की एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं बिजली बनाने में। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये जो रिन्यूएबल पार्क्स है, इन्होंने जो है इंडिया की एनर्जी सेक्टर का रुख बदला है और वाकई में बदला है। इंडिया अब बहुत ही ज़्यादा जोर दे रहा है इन प्रोजेक्ट्स पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, क्योंकि अब तो ज़रूरत भी है हमारी, दिन ब दिन जो है डिमांड बढ़ती ही जा रही है और यहाँ से हमारे जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए इंडिया ने सेटअप किए कुछ रिन्यूएबल पार्क्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पावागाड़ा सोलर पार्क की। जी हाँ, पावागाड़ा सोलर पार्क, ये सोलर पार्क जो है यहाँ पे सोलर पैनल्स लगी हैं जो सूरज की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट करते हैं, बिजली बनाने में जो है हम बोल सकते हैं यूज़ होते हैं ये सोलर पैनल्स। और ये जो सोलर पार्क है ये मौजूद है कर्नाटका के पावागाड़ा तालुक में। जी हाँ दोस्तों, 2018 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया और इसको फिर कंप्लीट किया गया, इसकी कंस्ट्रक्शन को, बनावट को कंप्लीट किया गया 2019 में। इसकी कैपेसिटी की अगर बात करें तो 2050 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है और ये है दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट, तीसरा सबसे बड़ा फोटोवोल्टेक सोलर पार्क। और इंडिया की दूसरी बड़ी सोलर पार्क है ये, 14,800 करोड़ लगे हैं इसको बनाने में। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि इसका ऑफिशियल नाम शक्ति सिथाला है। जी हाँ दोस्तों, शो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक और सोलर पार्क की, जिसका नाम कर्नूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है, जो आंध्र प्रदेश में मौजूद है। ये सोलर पार्क 24 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है कवर करती है। ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। इसको आंध्र प्रदेश के CM चीफ मिनिस्टर नारा चंद्र बाबू नायडू ने इनॉग्रेट किया था 2019 में। लगभग 70 बिलियन इस पे इन्वेस्ट किया गया है। इसमें सोलर पावर डेवलपर्स ने, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने योगदान दिया, पूरा योगदान दिया। इसकी कैपेसिटी की अगर बात करें तो 1000 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। ये लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन ऑपरेशनल सोलर पार्क है दुनिया में, जहाँ पे एक ही जगह सभी ऑपरेटर्स लगे हैं, जो भी जनरेशन पावर जनरेट होता है वो एक सिंगल जगह पे होता है, सारा सिस्टम एक जगह पे लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सूरज तो देता ही है हमें बहुत से फ़ायदे, ये सिर्फ बिजली बनाने में हमारी हेल्प नहीं करता बल्कि क्या देता है, जी हाँ, विटामिन डी का ये एक ख़ास सोर्स है। वैसे विटामिन डी से मुझे याद आया, आज मैंने भरपूर विटामिन डी हासिल किया, आधा दिन लगभग मैं धूप में ही बैठी थी। और मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ, आप धूप में बैठा करें, विटामिन डी भरपूर लिया करें। और सिर्फ विटामिन डी आप सूरज से हासिल नहीं कर सकते, आपकी सिर्फ हड्डियाँ मजबूत नहीं होंगी बल्कि धूप में बैठने से आपका जो है स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ हमने देखा कि सूरज की रोशनी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कभी ख़त्म ना होने वाली सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। हम बात कर रहे थे हिंदुस्तान के सोलर पार्क्स की, जो सूरज की रोशनी को जमा करते हैं ताकि उससे बिजली बनाई जाए। और जो हमारे बाकी रिसोर्सेज हैं, जैसे मतलब एनर्जी हासिल करने के जो रिसोर्सेज है, वसाइल है, जैसे पानी, कोयला, उन पे कम दबाव पड़े और उनको हम कम से
कम इस्तेमाल करें, क्योंकि वो हम जल्दी फिर रिन्यू नहीं कर पाएंगे, वो ऐसे रिसोर्सेज फिर जल्दी नहीं बन पाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कमुथी सोलर पावर प्रोजेक्ट की। जी हाँ, कमुथी कम बिजली पैदा नहीं करता बल्कि भरपूर बिजली पैदा करता है। लगभग 265,000 हाउस होल्ड्स को ये बिजली फराहम करता है। यस, दिस इज रियली अ बिग अचीवमेंट। जी हाँ, 2500 एकड़ ज़मीन पे ये प्रोजेक्ट फैला हुआ है। और आपको बताते चले कि ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु में मौजूद है, जिसको 2015 में जिसकी जो हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन शुरू की गई, और फिर 2016 में ये ऑपरेट हुआ, अमल में आया, काम करना शुरू किया इसने। जी हाँ दोस्तों, 2.5 मिलियन सोलर मॉड्यूल्स लगे हैं यहाँ पे। 648 मेगावाट क्लीन एनर्जी प्लांट है ये, जो दुनिया के सबसे बड़े पावर प्रोजेक्ट्स की फेरिस्त में शामिल है। तो जहां हम देख रहे हैं कि दुनिया में दिन ब दिन पावर डिमांड, बिजली की डिमांड, बिजली की मांग जो है बढ़ती ही जा रही है, वहां पे ये सोलर पार्क्स काफ़ी हद तक हमारी डिमांड पूरी कर रहे हैं। वैसे भी प्यारे सूरज ने हमारी कई टेंशन्स दूर की है, क्योंकि अब तो सोलर हीटर, सोलर कुकर्स आए हैं। खासकर औरतों की टेंशन तो वाकई में दूर हो गई है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस डायलॉग से मुझे याद आया एक और सोलर पार्क। जी हाँ, कडप्पा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। ये पार्क मौजूद है कडप्पा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। ये प्रोजेक्ट 5,927.76 एकड़ जमीन कवर करता है। इसकी कंस्ट्रक्शन 2018 में शुरू हुई थी। 250 मेगावाट यूनिट्स ऑपरेशनल है ऑलरेडी, 750 मेगावाट यूनिट्स पे काम चल रहा है। तो टोटल इसकी कैपेसिटी होने वाली है 1000 मेगावाट। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि काफी हाई कैपेसिटी प्रोजेक्ट बनने वाला है ये, जो बिजली की मांग को पूरा करेगा आंध्र प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, जहाँ हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन पानी, कोल कम ही होता जा रहा है, हमने ऑलरेडी हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया है इन रिसोर्सेज को, हम कह सकते हैं ओवर यूज़ किया है हमने इन रिसोर्सेज को, जो अब ख़त्म होने की कगार पे हैं। वहाँ यही सोलर पावर प्रोजेक्ट्स सूरज की रोशनी से बिजली हासिल करने के जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े पैमाने पे हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारे काम आ रहे हैं। वैसे हमें चाहिए भी कि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ही ज़्यादा इस्तेमाल करें, कभी ना ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज, ऐसे वसाइल जो जल्दी से फिर बन पाए। अब ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऐसे ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए। बात चल रही है हिंदुस्तान के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की, सोलर पार्क्स की, जहाँ हमने कुछ सोलर पार्क्स के बारे में जाना, अब जानते हैं कुछ और सोलर पार्क्स के बारे में। अब बात करते हैं चरण का सोलर पार्क की। जी हाँ, ये सोलर पावर प्रोजेक्ट गुजरात में है, इसीलिए इसको गुजरात सोलर पार्क वन भी कहते हैं। गुजरात के पट्टन डिस्ट्रिक्ट में ये प्रेजेंट है। 2000 हेक्टेयर एरिया ये कवर करता है। आपको इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात बताते चले कि ये इंडिया का सबसे पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट है। जी हाँ, 2012 में इसको सेटअप किया गया। इस प्रोजेक्ट को वाट्सला मेंटोश सोंधी अवार्ड भी मिला है, इसके सिग्निफिकेंट अहम कंट्रीब्यूशन के लिए, योगदान के लिए जो इसने एनर्जी सेक्टर में किया, इंडिया के एनर्जी सेक्टर में जो योगदान इसका रहा है, उसके लिए इसको ये अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको दिया गया है, वाट्सला इंडिया लिमिटेड ने इसको ये अवार्ड दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसकी एक और अनोखी बात आपको बताते चले कि ये चाइना के गोलमद सोलर पार्क से भी बड़ा है। इसकी टोटल कैपेसिटी की बात करें तो मतलब कितनी बिजली ये बना पाता है, तो वो है 730 मेगावाट। अभी 20 मेगावाट और ऐड हो जाएंगे, अभी नए यूनिट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि इस सोलर प्रोजेक्ट ने इंडिया की एनर्जी सेक्टर का रुख बदला, एक बड़ी तब्दीली लाई इंडिया की एनर्जी सेक्टर में और आम इंसान की जिंदगी में भी। वैसे ये बदलाव बहुत जरूरी था। वेल दोस्तों, हम बात कर रहे थे हिंदुस्तान के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की, सोलर पार्क्स की,
तो अब बात करते हैं मंदसौर सोलर पार्क की। ये सोलर पार्क हमें बिजली फराहम करके हमारे मन को सुखी करता है। जी हाँ दोस्तों, जोक्स अपार्ट, ये सोलर पार्क मध्य प्रदेश में मौजूद है। 114.35 हेक्टेयर एरियाज ये कवर करता है। इसकी कैपेसिटी की अगर बात करें तो 240 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं भदला सोलर पार्क की। वैसे इस सोलर पार्क की अगर हम बात करें, ये जो है इसने वाकई में हिंदुस्तान का रुख बदला, हिंदुस्तान की एनर्जी सेक्टर का रुख बदला। सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि हम बोल सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे, यस ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। जी हाँ दोस्तों, 14,000 एकड़ एरिया ये कवर करता है। वाकई में बदला ने हिंदुस्तान की एनर्जी सेक्टर का तो रुख बदला ही बदला। और यहाँ दोस्तों ये जो सोलर पार्क है ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में मौजूद है और इसकी कैपेसिटी आप सुन के चौंक जाएंगे कि इसकी कैपेसिटी अभी 2,245 मेगावाट है। इसने काफ़ी हाई लेवल पे बिजली के साथ साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट फराहम किया और नेशन को सस्टेनेबल बनाने में, पायदार बनाने में हेल्प की। इस प्रोजेक्ट ने इंडिया को काफ़ी हेल्प किया 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट की तरफ प्रोग्रेस करने में, जो कि इंडिया का टारगेट है अभी, और तो और कार्बन इमिशंस को कम करने में हेल्प की। फॉसिल फ्यूल्स जो है जैसे कि कोयला, लकड़ी वगैरह, इस पे दारमदार को कम करने में हेल्प की। लगभग 4 मिलियन टन कार्बन इमिशन कम हुआ इस इनिशिएटिव की वजह से। वेलकम बैक टू द शो। तो दोस्तों अब बात करते हैं हिंदुस्तान के एक और सोलर पार्क की, जो सूरज की रोशनी को जमा करके इसको इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली में तब्दील करता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं एनपी कुंता सोलर पार्क की। जी हाँ, एनपी कुंता सोलर पार्क जो कि आंध्र प्रदेश में मौजूद है, इसको अनंतपुरम फर्स्ट अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, कादरी सोलर पार्क भी बोलते हैं। ये सोलर पार्क 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है और ये आंध्र प्रदेश के कादरी डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट अनंतपुर में मौजूद है। पहले इसकी टोटल कैपेसिटी 250 मेगावाट्स हुआ करती थी, लेकिन अभी 978.5 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है और आगे भी बढ़ने वाली है इसकी कैपेसिटी। जी हाँ दोस्तों, ये लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट माना जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स यूज़ किए गए। मतलब जो सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स इंडिया में ही बनाए गए, इंडिया को बाहर से नहीं लाने पड़े, उनका इस्तेमाल इसमें हुआ। दोस्तों ऐसे भी अभी सूरज की ही बातें ज़्यादा होंगी क्योंकि अब तो पूरा इंडिया समर सीज़न ही एक्सपीरियंस करने वाला है, खासकर नॉर्थ इंडिया, शुमाल हिंदुस्तान की अगर बात करें जो विंटर सीज़न भी झेलता है, मौसमी सरमा भी एक्सपीरियंस करता है, इस नॉर्थ इंडिया में भी अब सूरज की किरणें तेज़ होने वाली है। अब तो रिन्यूएबल एनर्जी, सूरज की एनर्जी और हासिल होगी हमें इन समर मंथ्स में, है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, बात चल रही है हिंदुस्तान के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की, तो अब बात करते हैं एक और सोलर पावर प्रोजेक्ट की जिसका नाम है गलीविडूर सोलर पार्क, जो कि अभी नहीं बना, जिसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होगी लगभग 2025 से और फिर यूज़ में आएगा, कमर्शियली ऑपरेट होगा 2027 से। आपको बताते चले कि ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ और प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, प्लानिंग में है सोलर पार्क्स, नई नई सोलर पार्क्स बनने वाली है। काफ़ी हाई लेवल पे इंडिया काम कर रहा है अपनी सोलर एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जहां हम देख रहे हैं कि 31 मार्च 2024 तक इंडिया की सोलर पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 81.813 गीगावाट्स एसी में अगर हम देखेंगे पहुंची है, तो जहां इंडिया ने नेशनल सोलर मिशन 2010 में 2010 में लॉन्च किया था, 20 गीगावाट टारगेट रखा था 2020 तक अचीव करने के लिए,
वहां हम सब देख रहे कि किस तरह से हाई लेवल अचीवमेंट इंडिया हासिल कर रहा है और अभी के लिए जो टारगेट है 100 गीगावाट का वो 2022 तक इंडिया ने टारगेट रखा था अचीव करने के लिए. इंडिया हाई लेवल पे काम कर रहा है इसको अचीव करने के लिए. तो दोस्तों आज के शो का मकसद था आपको सोलर एनर्जी की अहमियत से रूबरू कराना. जी हाँ दोस्तों, सोलर एनर्जी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है अब, रिन्यूएबल सोर्सेज की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है आने वाले वक्त में, तो इससे आपको रूबरू कराना है. तो दोस्तों आपको बताते चले कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा, वाकई में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज की, वो सोर्सेज जो जल्दी से बन पाते हैं या जो कभी ख़त्म नहीं होते, उन वसाइल का हमें इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, वसाइल है जो जल्दी नहीं बन पाते, जिनको सदियां लगती है फिर बनने में, उन पे जो है डिपेंडेंसी कम हो, हमारा जो माहौल भी बचा रहे, बैलेंस मेंटेन रहे, एनवायरमेंटल बैलेंस मेंटेन रहे. जी हाँ दोस्तों, इसी मैसेज के साथ आपको भी हम छोड़ते हैं. आप हमें बताइए कि आज का शो आपको कैसा लगा. अगर अच्छा लगा तो रेडियो डॉन की यूट्यूब चैनल पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए. जी हाँ दोस्तों, और क्या तब्दीलियाँ चाहते हैं आप इस शो में, ये भी हमें बताइएगा ज़रूर. तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सैटरडे संडे को कुछ और मज़ेदार अनोखी इन्फॉर्मेशन के साथ. जब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय.